धन धन मुनीवरा, धन धन मुनीवरा, और आगे की श्रृंखला में सोनाक्षी जी झाझेड़ से विनती करूंगा, खूब छोटी उम्र के अंदर उन्होंने भी अपनी बहन की तरह पांच प्रतिक्रमण, तीन भाष्य, तत्वार्थ सूत्र, दस वैकालिक सूत्र इत्यादि सब की पढ़ाई करने के बाद, आइमिल से माशक शमन करने के बाद जब वैराग्य प्रबल दिखा तब गुरुदेव और परिवार वालों ने अनुमति दी, ऐसे मुमुक्षु रत्ना सोनाक्षी जी झाझेड़ से विनती करूंगा अपने हृदय के उद्गार को व्यक्त करने के लिए। धन धन मुनीवरा, परमेश्वरी परमात्माओं के चरणों में कोटि से वंदन। मम जीवन उद्धारिका गुड़ामलानी उद्धारिका, मम जीवन संगिनी गुरुमा श्री सुरंजना श्री जी महाराज के चरणों में कोटि से वंदन। अभी भैया ने एक बात कही ना कि आमिर से, मैं गलत फहमी दूर कर देती हूँ कि आमिर से माक्षी श्रमण, वो मैंने नहीं किया है, मेरी बड़ी सिस्टर ने किया था, मिस प्रिंट हो गया है। बाकी जो लिखा है वो सच है और 12th पास लिखा है वो भी गलत है, जबकि मेरी 10th अभी तक चल रही है। सारे मिस प्रिंट हो गए हैं। आमिर से मार्क्सिज्म मैंने नहीं किया है, उन्होंने किया है। मैं सबसे पहले दादा आदिनाथ को थैंक्स लॉट टू दादा आदिनाथ, क्योंकि मैंने ना 24 अक्टूबर माल से एक दिन पहले ही दादा आदिनाथ की यात्रा की, फर्स्ट टाइम 14 साल में फर्स्ट टाइम दादा आदिनाथ की यात्रा की मैंने। और शत्रुंजय की इस धरती पर मेरे पाव रखते ही से जितने मेरे चैत्र मोने कर्म थे सारे क्षय हो गए और मुझे मेरा रजोरण मिल गया, यानी मिला नहीं है अभी तक, उसका मुहूर्त मिल गया है, कल मिल जाएगा रजोरण। मेरा तो ऑलरेडी मना ही था कि बोल रहे थे नहीं तो अभी छोटी है, 12th पास कर ले 2 साल में फिर तेरे को दीक्षा दे देंगे। मैं कह नहीं, मेरे को लेना है। हम दोनों बहनें हमेशा साथ में जाती थी गुरुमा के पास, हम गुरुमा के पास गए तो साथ में, सारे जितने भी गाथा वगैरह किए तो साथ में। अब दीक्षा अकेले कैसे ले सकती थी वो, गलत बात है ना ये तो, इसलिए मैंने कहा नहीं मुझे भी दीक्षा लेनी है। फिर मैंने घर पे आए जब तो मैंने कुछ भी खाना वगैरह नहीं खाया तो मेरे को टाइफाइड हो गया था। टाइफाइड हुआ तो फिर पापा बोले देखते रह क्या हालत हो गई है, तो अभी है ना जिद मत कर, मैं तेरे को 2 साल आश्वासन दिया था कि 2 साल में पक्का तेरे को दीक्षा दे दूंगा, तो मैंने बोला नहीं मेरे को नहीं, ऐसे ऐसे जिद की। फिर पापा ने समझा, ठीक है मैं समझ गई, मैंने बोला ठीक है मैं नहीं दीक्षा लूँगी, मैं नहीं लूँगी दीक्षा, आप जब कहोगे मैं तब लूँगी दीक्षा। फिर वापस हम दीदी का मुहूर्त लेने जा रहे थे तो बस में भी थे तब भी सब बोल रहे थे, वहाँ जाके कुछ भी बोलिए ना तो देखना तो मुँह ऊपर भी नहीं करेगी, जबकि मैंने वहाँ पे भी मास्टर साहब मेरा नाम बोल रहे थे फिर भी मैंने मुँह ऊपर नहीं किया। फिर भी देखो मेरा कितने पुण्योदय था कि मुझे अपने आप मुहूर्त मिल गया दीक्षा का। मेरे सारे चरित्र मोने कर्मों का क्षय हो गया, थैंक्स टू दादा आदिनाथ। और मेरे माता पिता को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे दे दिया, भले ही देरी से दिया मतलब ऐसे, पर दे दिया साथ में दोनों को मुहूर्त। और गुरु माँ को भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें पूरा पक्का घड़ा बना दिया कि हम संयम जीवन का पालन कर सकते हैं। मैं जब ऐसे तो गुरु माँ के पास हम अलग नहीं रहे हैं, 4 महीना मार्सा के पास रही थी अहमदाबाद में, तो फिर मम्मी पापा का फ़ोन आता था ना कि घर पे आ जा, तो मैं रोने लगती थी नहीं मैं नहीं आऊँगी नहीं आऊँगी। फिर भी पापा खींच के फिर फ़ोन करते थे, मार्सा बोलते थे कि अभी तू फर्स्ट बार आई है चली जा वरना पापा दूसरी बार नहीं भेजेंगे, इसलिए मैं चली गई। फिर एक सॉन्ग लाई हूँ मैं आप सबको सुनाने के लिए। भवनो थाक उतार वाहू गुरु चरणों मा जाऊं छु, माता पिता नो संग छोड़ी ने गुरु मन खोले जाऊं छु। ओहो ओहो
भव भवनो थाग उतार बाहु गुरु चरणों मा जाऊं छु माता पिता नो संग छोड़ी ने गुरु मन खोले जाऊं छु ओ मारा गुरु तमे मारा प्रभु हवे रजो हरण आपो मन प्रभु वीरन बंत साचो छे वेश शमन नो आप मन। आप सभी को मैंने अभी यहाँ पे रही हूँ तो आप सभी को कभी भी मैंने कुछ भी कहा हो जाने अनजाने में तो सबको मिच्छा में टुकड़म, आज लास्ट मिच्छा में टुकड़म करती हूँ सबको।